नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, उत्तराखंड में चुनाव भी है और काफी प्रमुखता दी गई है उत्तर प्रदेश को भी और उत्तराखंड को भी, आपकी क्या प्रमुखता रहेगी राज्य को भी देखते हुए? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अन्य बातें बोलना उचित नहीं है इस समय, कि 2022 में जो उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है, जितनी सीट्स हम पहले लाए उससे अधिक सीट्स ला के हम लोग दोबारा सेवा करने के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं जी। तो अभी जो हमने देखा, काफ़ी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखी है उत्तराखंड में, कई मंत्री साथ मुख्यमंत्री बदल दिए गए, क्या ये स्थिरता दी जाएगी अगर 2022 में आप दावा? नहीं नहीं, कोई अस्थिरता नहीं है। अगर अस्थिरता होती तो फिर कोई ओथ नहीं लेता, सब ने ओथ ली है, सब काम कर रहे हैं, सब लोग जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज़ को समझते हैं, उसी के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं और अच्छी सरकार चल रही है। सरकार ने आते ही नए नए ऐसे फैसले दिए जो बहुत लंबे समय से लटके हुए थे, जो हमारे टीचर्स थे वहाँ पर अतिथि टीचर्स, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जो उनकी मांग थी, पुलिस के ग्रेड पे का कुछ मामला था उसका कमेटी एकदम से बैठा दी, हमारे जो जहाँ से हमारे इंजीनियर्स बनते हैं तो वहाँ के कुछ लोगों को निकाल दिया था, कुछ पहले वो सेवा मुक्त हो गए थे उनको सेवा मुक्त दे दिया, और 22,000 कर्मचारियों के अपॉइंटमेंट करने के लिए सरकार ने आदेश दे दिए, जितने भी विभागों में नियुक्तियां रुकी हुई थी उनको सबसे खोलने का निर्णय ले लिया, तो एक से एक अच्छे काम हो रहे हैं। और केंद्र सरकार ने तो 11,000 करोड़ रुपए की सिर्फ PMGSY की सड़कें ही सड़कें दी हैं, और का हिसाब मैं नहीं बता रहा हूँ। तो कनेक्टिविटी पूरे उत्तराखंड को करने का जो बीड़ा उठाया था वो केंद्र ने पूरा कर दिया है। भट्ट साहब, लेकिन जो उत्तराखंड में अभी देखा गया, 1-2-3 महीने के अंदर 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन 2024 का भी आगे चुनाव है और उससे पहले 2022 का चुनाव है, उत्तराखंड को लेकर ही ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत इमेच्योर डिसीजंस लिए, कहीं ना कहीं ममता पे निशाना था और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष वाले तो कुछ ना कुछ कह देंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई इन बातों को देख के नहीं किया है। आप सब जानते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उसके आधार पर ये सब हुआ है, इसलिए जो विपक्ष कहता है उससे हमको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम विकास के लिए समर्पित हैं, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों। मोदी जी के नेतृत्व में जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, ये सब दीवारें टूटती जाती हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम विश्व की नंबर एक की पार्टी और दोबारा केंद्र में हमारी सरकार भी। आखिरी सवाल, इस विस्तार में हमने देखा कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में काफ़ी तालमेल बिठाया गया है और प्रमुखता दी गई है, क्या 2022 में इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वैसे लगता होगा आपको देखने में, लेकिन ये एक प्राकृतिक तरीके से हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से कैमरा मैन इंदर के साथ अनामिका रत्ना।